नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, बीएड के एडमिशन को लेकर आप लोग काफी ज्यादा मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर इस बार बीएड के जो एडमिशन है वो किस तरीके से होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा, जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं फिल किया था तो उनका एडमिशन होगा या किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके बीएड को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं उन सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, हमारी जो बीएड होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है हमारी इंटीग्रेटेड बीएड और एक होती है हमारी नॉर्मल बीएड। जो इंटीग्रेटेड बीएड होती है वो हमारी होती है जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीबीए प्लस बीएड, यानी कि वो होती है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसमें आपका एक क्या हो जाता है, डिग्री कोर्स हो जाता है। जैसे आप बीए प्लस बीएड कर रहे हैं तो आपकी बीए की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपको एक साल बाद बीएड की डिग्री मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड जो बीएड होती है वो होती है आपकी चार साल की, यानी कि चार साल की इंटीग्रेटेड बीएड होती है, वो आप कोई भी उसमें से आप सेलेक्ट करें, चाहे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी होती है फोर ईयर की। और इसकी जो फीस होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी फीस होती है, वो आपकी 30,000 पर ईयर की इसकी फीस होती है इंटीग्रेटेड बीएड की। ये जो हमारी इंटीग्रेटेड बीएड होती है इसको आप 12th के बाद में कर सकते हैं, यानी कि आपने 12th किया हुआ है तो आप इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेनली, जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारा बीएड पर, जो आपका टू ईयर बीएड है। अब टू ईयर बीएड में साथियों, इसके लिए उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 2.5 लाख सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि इस बार भी कंडक्ट होना है। अब इसके लिए अभी पीछे चीजें चल रही थी कि एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल कराने की मांग चल रही है, कि जो हमारा 2021 के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होना है उसको कैंसिल कर दिया जाए, यानी कि मेरिट बेस पर एडमिशन कराए जाए। उसके लिए फॉर्म फिल हो चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल होगा, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम है लास्ट ईयर भी, जो सबसे पहले कोविड खत्म होने के बाद में जो सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम ही हुआ था। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल किया है बीएड के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है जुलाई के मिड में कराया जाए, यानी कि यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जुलाई के मिड में कराया जाए। अब एंट्रेंस होने के बाद में उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यानी कि जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, फिर उनमें क्या होती है, मेरिट लगती है। तो इसमें फिर आपका मेरिट के बेस में एडमिशन होता है। यदि आपका फर्स्ट मेरिट में आ जाता है तो फर्स्ट मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता है। यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है, उसके बाद में आपकी ये मेरिट लगती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसके लिए एंट्रेंस फॉर्म फिल नहीं किया था, यानी कि आपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपके एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करती है और उन बच्चों का एडमिशन उन कॉलेजों में होता है जिनमें माइनॉरिटी की सीट होती है, यानी कि माइनॉरिटी की सीट पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप यदि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो जो सभी कॉलेजों में माइनॉरिटी की सीट नहीं होती है, कुछ ही लिमिटेड कॉलेज हैं जिसमें माइनॉरिटी की सीट है, तो आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेजों में हो सकता है, या फिर आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्जाम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जिसमें आपके बीएड के लिए एनसीटी का अप्रूवल है, तो वहां से आप बीएड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों का एक क्वेश्चन और मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमने अपना पीजी किया हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो क्या उसके बाद में जो हमारा बीएड है वो एक साल का होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बीएड आपका एक साल का नहीं होगा। अब जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उन बच्चों के लिए हो रही है जो अब अपना ग्रेजुएशन करेंगे, यानी कि उसमें पूरा फॉर्मेट चेंज है। उनका जो ग्रेजुएशन होगा वो आपका फोर ईयर का होगा, फोर ईयर का उनका ग्रेजुएशन होगा, यानी कि जैसे वो एक साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल कर लेते हैं तो उनको डिप्लोमा मिलता है,
और 3 साल वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके बाद में उसको 3 साल की डिग्री मिलती है जैसे अभी मिलती है। और यदि वो उसके बाद में कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो फिर उनको 4 ईयर का करना होता है अपना ग्रेजुएशन, तो नई शिक्षा नीति के तहत जो वो है, तो यानी कि वो 4 ईयर का उनका ग्रेजुएशन होगा और 1 साल फिर उनकी होगी बीएड की, तो यानी कि उनको भी टाइम इतना ही लगने वाला है, यानी कि उनका भी 5 साल ही लगने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीजी के बाद में आपका जो बीएड है वो 1 साल का होगा, आपका चाहे वो आपने पीजी किया हुआ है या यूजी किया हुआ है, आपका जो बीएड है वो 2 ईयर का ही बीएड रहने वाला है। बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी भी तरह के आपको कोई भी डाउट वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें आगे बात करते हैं आपकी फीस को लेकर, यानी कि जो फीस थी जो कहा गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आदेश जारी किया गया था, यानी कि जो अभी हमारी फीस लगती है वो फर्स्ट ईयर में जो फीस जाती है जो गवर्नमेंट फीस है वो है 51,250 रुपए, यानी कि अलग अलग पार्ट में जाती है, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको जो मोटी मोटी आपको बता रहा हूं, तो आपकी जो फीस जाती है वो फर्स्ट ईयर में जो जाती है वो जाती है आपकी 51,250 रुपए जो आपकी गवर्नमेंट की फीस है, और जो आपकी सेकंड ईयर में फीस है वो जाती है 30,000 रुपए। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया था कि जो इस फीस में आपका फर्स्ट ईयर में आपको 45,000 रुपए देने हैं और सेकंड ईयर में 25,000 रुपए देने हैं, यानी कि एक तरीके से 6,250 रुपए आपके फर्स्ट ईयर में कम किए थे और 5,000 रुपए सेकंड ईयर में, यानी कि कुल मिलाकर 11,250 रुपए कम किए थे। लेकिन अब इस पर जितने भी कॉलेजेस थे उन्होंने आपत्ति उठाई और इस पर जो है इस आदेश के प्रति अपनी जो आवाज उठाई और इस आदेश को कैंसिल करा दिया गया, यानी कि 2 दिन के बाद ही इस आदेश को कैंसिल करा दिया गया। तो अब यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी फीस है वही पहली वाली फीस लगने वाली है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपकी 51,250 रुपए और आपकी जो सेकंड ईयर की जो फीस रहेगी वो आपकी 30,000 रुपए, यानी कि 81,250 रुपए ही आपको फीस पे करनी होगी, तो ये आपकी फीस रहने वाली है। साथियों लास्ट ईयर सक्षम एजुकेशन की तरफ से 51 बच्चों को बीएड में स्कॉलरशिप दी गई थी, सक्षम एजुकेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको मिलती ही है, लेकिन सक्षम एजुकेशन की तरफ से लास्ट ईयर 51 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई थी और इस बार जो कोशिश है वो लगभग कोशिश है आपकी 101 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए बीएड में। तो आप यदि आप भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप भी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो साथियों जो आपको गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है वो आपकी स्कॉलरशिप अलग रहेगी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं सक्षम स्कॉलरशिप ये आपकी बिल्कुल आपको अलग स्कॉलरशिप मिलने वाली है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब आपको ये 20,000, 30,000, 25,000 रुपए कितनी मिलती है वो डिपेंड करता है आपके जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद में आपका डिपेंड करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है ये किसी भी टाइप का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, बच्चों में एक और कंफ्यूजन है कि सर जो हमारी समाज कल्याण से स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से आती है, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यानी कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली इनकम कितनी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो डिपेंड करता है उन सब सारी चीजों के ऊपर, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने बीएड को लेकर सब सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।